शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। कर्नल जी, दालों में अगर चने की बात करी जाए तो चने में एक आपको क्या लगता है, चने में आगे कीमतें कैसी रह सकती हैं? क्योंकि हमने देखा है कि दालों का जो दालों पर जो सरकार के इतने फैसले आए हैं, तो हर कोई व्यापारी, हर कोई कारोबारी दालों में अब कदम रखने से डर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, चने का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, चना एक बहुत महत्वपूर्ण दलहन माना जाता है और जितना परेशान चने को सरकार, मतलब किसान हो या चाहे कारोबारी, जिसने चने को, चने ने सबसे ज्यादा हैरान और परेशान किया है। और जो अभी जो दिल्ली लॉरेंस रोड के ऊपर 5,025 के आसपास का जो दाम है, और तिकोना यानी कांटेदार चने का और एनपी लाइन का जो चना है, वो थोड़ी सी हमेशा 200-300 रुपए की इसकी गिरावट रहती है उसमें, इन दोनों में फर्क रहता है। लेकिन चने के अंदर देखिए, जो फसली का की जो अनुमान लगाना है कि कुछ इलाकों के अंदर फसलों की खराबी की सूचना मिली है, और लेकिन कुल मिला के चने के अंदर अभी थोड़ा सा समय और धैर्य रखना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि चने में जो भी नुकसान होना था, जो भी परेशानियां होनी थी, वो बहुत कारोबारियों ने झेल ली है, किसानों ने झेल ली है, और मुझे नहीं लगता है कि अब कोई चने के अंदर ऐसी कोई बड़ी 10-20% की गिरावट हो, ऐसी संभावना मुझे कम नजर आती है। तो अभी और क्योंकि इन दामों के ऊपर चने को बेचना भी जिन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ है, किसानों ने या फिर कारोबारियों ने, उनके लिए भी इन दामों के ऊपर बेचना कोई सुख नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी ये द्वार भाव है, उनके ब्याज भट्टा जो लग चुका है, उनका जो भाड़ा लग गया उसी का लग गया है, जो कि पूरा है वो उनको पावरता ही नहीं लगेगा। तो किसानों के पास या कारोबारी के पास चने को रोकने का कोई, मतलब चने को बेचने का भी कोई तुक नहीं बनता, नंबर वन। नंबर टू, ये चार राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इन इलेक्शन के ऊपर भी ये फरवरी के अंदर सारा समाप्त हो जाएगी, तो 5 राज्यों के अंदर जो है उससे भी किसी स्थिति साफ होगी। नाफेड भी और एफसीआई वगैरह जो है सरकारी चने की खरीद भी अब अच्छी होगी, क्योंकि वहां भी धीरे धीरे मान खत्म हो गया है, और मुझे लगता है कि और आगे धीरे धीरे जो कोविड और ओमिक्रॉन जैसी जो महामारियां हैं उनके ऊपर भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, और उससे भी जब सारी तरफ रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगी तो तुरंत सा वापस अर्थव्यवस्था और पटरी पे आएगी। तो मुझे लगता है कि चने पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। एक और महत्वपूर्ण चर्चा में कहूंगा कि सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कई प्रयासों से दी जा रही है। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आप स्वयं का अत्यंत विवेक एवं अपने सलाहकार से अवश्य राय कर लें। किसी भी प्रकार का नफा नुकसान की गारंटी ना मार्केट टाइम्स टीवी चैनल की, ना मेरी और या किसी और व्यक्ति की होगी, ये विशेष ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।